दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी के स्टिंग वॉर का पर पलटवार किया। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सीबीआई के अफसरों पर उनके खिलाफ सबूत लाने का जबरदस्त दबाव बनाया जा रहा है और उन्होंने ये कहा कि सरकार को कुचलने के लिए कुर्बानी मांगी जा रही है। दबाव में अधिकारी ने आत्महत्या कर दी, अधिकारियों पर दबाव डाला जा रहा है। मनीष सिसोदिया ने यह कहा बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन पर, यह स्टिंग नहीं यह मजाक है, मनीष सिसोदिया का यह कहना है, सुनिए। किस तरह से एक सीबीआई के अधिकारी ने सुसाइड किया है, उनके बारे में पता चला है कि जिस सीबीआई अधिकारी ने सुसाइड किया था वो जितेंद्र कुमार जी थे, डेप्यूटी लीगल एडवाइजर। ये सीबीआई के एंटी करप्शन ब्रांच में लीगल एडवाइजर थे। इनका काम था लीगली चीज़ों को अप्रूव करना, उनको रिजेक्ट करना, उनकी सारी लीगलिटी को देखना। और मेरे खिलाफ जो फर्जी एफआईआर कराई गई है एक्साइज के मामले में, उसका भी लीगल मामला वही देख रहे थे। पता ये चला है कि मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाकर, ये उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाकर मुझे अरेस्ट कराने की लीगल मंजूरी दें, कि अधिकारियों पे इतना दबाव क्यों बनाया जा रहा है कि वो आत्महत्या करने जैसा कदम उठाने पे मजबूर हों। आप अपने राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए अपनी ही सरकार के अधिकारियों को और कितना टॉर्चर करोगे? दूसरा सवाल है मेरा कि क्या अब भारत की केंद्र सरकार का काम केवल ऑपरेशन लोटस चलाना रह गया है? जिस तरह से राज्यपालों से, उपराज्यपालों से दबाव डाल के उनसे उल्टे सीधे काम कराए जा रहे हैं, जिस तरह से सीबीआई पे दबाव डाल के, ईडी पे दबाव डाल के उल्टे सीधे काम कराए जा रहे हैं, तो क्या अब केंद्र सरकार का काम केवल ऑपरेशन लोटस चलाना रह गया है? ये मेरा दूसरा सवाल है प्रधानमंत्री जी से। और तीसरा सवाल है कि जनता की चुनी हुई सरकारों को कुचलने के लिए और कितनी कुर्बानियां आप लेंगे, ये बताएं। रुख करते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां शराब घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार पर एक स्टिंग अटैक किया, स्टिंग वार किया है। बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया और दावा किया कि उसमें दिखाई दे रहा है जो शख्स सनी मारवा के पिता है। सनी मारवा का नाम उस एफआईआर में है जिसे शराब घोटाले में सीबीआई ने दर्ज किया है। यूं तो शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल सरकार पर बीजेपी के आरोप काफी पुराने हैं, लेकिन अब आरोपों को साबित करने के लिए बीजेपी ने स्टिंग ऑपरेशन भी जारी कर दिया। बीजेपी का दावा है कि खुफिया कैमरे में जो शख्स दिखाई दे रहा है वो कुलविंदर मारवा है। बीजेपी के मुताबिक कुलविंदर मारवा महादेव लेकर के सनी मारवा के पिता हैं। सनी मारवा को सीबीआई ने एफआईआर में आरोपी बनाया है। सनी मारवा, तो सनी मारवा के पिताजी हैं जिनका नाम है कुलविंदर मारवा, ये सब एक साथ काम करते हैं, एक ही कंपनी में डायरेक्टर इत्यादि है, बेटे पिता सब। तो ये कुलविंदर मारवा का एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है जिसमें वो पूरा मोडस ऑपरेंडाई किस प्रकार से कमीशन खाया जाता था और केजरीवाल सरकार की नीति कैसी थी, इसका पर्दाफाश करते हैं। प्रॉफिट दी गेम 80% की, 80% एक रुपए माल दे विच सानू 20 पैसे गोरम 20 पैसे माल होता, 80 पैसे सारे साढ़े होते। बीजेपी ने जो वीडियो जारी किया है उसमें एक शख्स ये कहता दिखाई दे रहा है, हमने 253 करोड़ लेकर इजाजत दी कि जितनी मर्जी दुकानें खोलो। वीडियो में वो शख्स ये भी कहता है कि कई लोगों से 500 करोड़ भी लिए गए। साढ़े तेरह 253 करोड़ ले लिया, ठीक जाओ तुम जितने मर्जी दुकाना खोलो, जो मर्जी करो, वी पैदा माल आंदा 253 करोड़ एक बंदे दो। आलम यह था कि अगर एक बोतल के साथ एक बोतल मुफ्त भी दिया जाए या एक बोतल के साथ दो बोतल भी मुफ्त दिया जाए तब भी फायदा इन ठेकेदारों को हो रहा था। आप सोचिए किस कदर लूट मची थी,
किस कदर दिल्ली के राजस्व को लूटने का यहां तांडव चल रहा था। 20 पैसे का माल लो, जो मर्जी करो, सानू फिक्स्ड पैसे दे दो, सरकार का रोल खत्म, जो मर्जी करो, हमें पता नहीं, चोरी करो, जो करना है करो। वीडियो जारी करते हुए बीजेपी ने आरोप लगाया कि शराब माफिया से केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने सीधा कमीशन कमाया। भाई एक कंपनी ने 2% तो 12% कमीशन की थी, किस तरह हो गई? ढाल वगैरह जो अमन ढाल वगैरह ने दिल्ली तो बाद पंजाब ही ले ले, जिले पंजाब ठेके ले, वो पिटेगा नहीं पंजाब वाला जो शराब का काम करता सी। मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी के मित्रों का बहुत फायदा हुआ। 144 करोड़ रुपया ये जो लाइसेंस फीस था अपने मित्रों का, बिना कैबिनेट के अप्रूवल का, इन्होंने क्यों माफ किया? ये कुछ सवाल हमने आपके माध्यम से केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया से पूछा था, जवाब आज तक नहीं आया। वीडियो जारी करने के बाद बीजेपी केजरीवाल सरकार के खिलाफ चौतरफा हमला कर रही है। जितने सवाल, जितने प्रश्न हम करते थे, उस सारे प्रश्नों का जवाब ये स्टिंग ने दे दिया है। ऐसे लोगों को अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हमारा मन ये भी कह रहा है कि सही मायने में दूध का दूध, शराब का शराब जारी है, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, जल्दी ही सिसोदिया और भ्रष्टाचारी गैंग के मुखिया अरविंद केजरीवाल की भी बारी है। बार बार सवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की जुबान बंद है, कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि घोटाला इतना बड़ा है कि जिसकी गूंज आज पूरे देश में है। जो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की बात करते थे, आज भ्रष्टाचार के दलदल में इतना अरविंद केजरीवाल डूब चुके हैं कि आज उनके पास कोई जवाब नहीं है। पहले सत्येंद्र जैन जेल में, अब कई औरों की तैयारी जेल जाने की। बीजेपी के जारी वीडियो से ये साफ है कि दिल्ली की सियासी लड़ाई जल्दी थमने वाली नहीं है। बीजेपी ने दावा किया है कि कई और वीडियो सामने आएंगे। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।